बीपीएससी से आए हैं जी। बीपीएससी का फुल फॉर्म बताएंगे? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार। कोई प्राइवेट स्कूल में एक टीचर जाता है वो वही रहता है जो गवर्नमेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है। आज अगर कोई गवर्नमेंट क्वालिफाई किया है वो डेफिनेटली प्राइवेट से ज्यादा बेहतर है। के पाठक सर का तो नाम आप जानते होंगे जी। बिल्कुल। अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ। आपके विद्यालय में कुछ नियोजित शिक्षक भी होंगे, आप लोग बीपीएससी वाले होंगे, कौन से शिक्षक की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है? सर दोनों की क्वालिटी अच्छी है, दोनों की अच्छी है। आप मैडम केमिस्ट्री का स्पेलिंग बता सकते हैं? बिल्कुल, CHEMISTRY केमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स का? ECONOMICS। तो मैथ्स तो आपका काफ़ी स्ट्रांग। ठीक है। ठीक है, काम चलाओ। नहीं मतलब ठीक है, बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए? बिल्कुल। एक दो सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर 12 में 10 जोड़ के और 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 12 में 10 जोड़कर 22 होगा, 22 में से आप 5 माइनस करेंगे 17 होगा सर। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? लास्ट 2014 में बने थे प्रोबेबली। दिस ईयर लाइक करेंटली दिस ईयर 2024 में अगेन बने हो, 2019 में बने थर्ड टाइम दिस इज। अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे जो MDM मध्याह्न भोजन में क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं? मुझे डिटेलिंग एक्चुअली MDM के बारे में नहीं पता है क्योंकि मैं क्लासेस में ही बिजी रहती हूँ। और इस पूरे विद्यालय में क्या क्या कमियाँ हैं? कमियाँ बहुत हैं, जैसे बच्चों को अभी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ब्लैक बोर्ड और चॉक यूज़ कर रहे हैं जो कि डस्ट फैलाता है। बेटर होता कि व्हाइट बोर्ड से रिप्लेस होता, मार्कर यूज़ होता, वो डस्टलेस होता, क्योंकि किन्हीं किन्हीं बच्चों को ब्रीदिंग इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर लाया जाए ताकि जितने भी साइंस बेस्ड लर्निंग है कि कौन सा ऑर्गन बॉडी में कहाँ है, वो बच्चों को आप कितना ही ओरल एक्सप्लेन कर लें आप नहीं कर पाएंगेगा जब तक कि आप उनको विजुअलाइजेशन नहीं देते हैं। सेम वे मैथ्स में भी अगर 3D शेप दिखाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज देम, और उसके लिए हमें प्रोजेक्टर चाहिए होता है। बिहार के सरकारी विद्यालय में मैथ्स का, लड़कियों को मैथ समझ में नहीं आता है, ठीक है, और ये मैथ्स की शिक्षिका है और ये काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी टैलेंटेड है। अभी मैं मध्य विद्यालय पकरिया में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक BPSC मैडम शिक्षिका हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इस विद्यालय में बच्चे को किस प्रकार से अच्छी शिक्षा मिल रही है। बिहार सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए लाखों की संख्या में शिक्षक नियुक्त किए हैं। पहले नियोजित शिक्षक थे, अभी BPSC शिक्षक की बहुत सारे शिक्षक लोग बहाल हुए हैं और ये मैडम भी BPSC शिक्षिका है, तो मैडम से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैडम आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप BPSC से आए हैं मैडम जी? क्या आप बिहार राज्य के हैं या UP, कहाँ कौन से राज्य से? मैं झारखंड से हूँ सर। झारखंड से जी। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? इसी ईयर 2024 में हुई है, 12 फरवरी को। आप जब से यहाँ पे आए हैं तो आपके जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, चाहे जो शिक्षक को जो कलीग हैं या किन्हीं और से, किसी प्रकार को आपको समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? नहीं, मुझे किसी तरह की समस्या मेरे स्कूल स्टाफ से झेलनी नहीं पड़ रही है। अन्य किसी भी तरह की समस्या इस विद्यालय में? नहीं, विद्यालय से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। गांव वाले से किसी भी तरह प्रकार का कोई समस्या? नहीं, मुझे उनसे समस्या नहीं है, बस एक शिकायत है कि वो अपने बच्चों को रेगुलर तौर पर भेजे, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। इस विद्यालय में बच्चों को रेगुलर तौर पर नहीं भेज पाते? भेजते हैं, ऐसा नहीं है नहीं भेजते हैं, रेगुलर इन सेंस की अगर आप 5 दिन भेज रहे हैं तो आप 6ठे दिन भी भेज सकते हैं, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई के नुकसान भी उनकी बेसिकली हो रही, मेरा कहना बस ये है। आप लोग कितने शिक्षक हैं? हम लोग कुल यहाँ पे 7 टीचर्स हैं। 7 टीचर जी। बच्चों की लगभग संख्या कितनी? टोटल 139 है कुल स्ट्रेंथ। 139। BPSC से आए जी? BPSC का फुल फॉर्म बताएंगे? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार। सुनील कुमार है। के पाठक सर का तो नाम आप जानते होंगे जी। बिल्कुल। अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, एस सिद्धार्थ, यस। आप लोग के लिए के पाठक सर अच्छे थे या फिर एस सिद्धार्थ ज़्यादा अच्छे?
दोनों की अपनी अपनी जगह है, वो भी अच्छे थे, इन्होंने काम करना शुरू किया है, तो हम जजमेंटल नहीं हो सकते, सबका अपना नजरिया होता है, तो दोनों ही अच्छे अपनी जगह। आपके विद्यालय में कुछ नियोजित शिक्षक भी होंगे, आप लोग बीपीएससी वाले होंगे, कौन से शिक्षक की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है? सर दोनों की क्वालिटी अच्छी है, दोनों की अच्छी है। नहीं आप लोग तो बीपीएससी वाले जो शिक्षक या शिक्षिका हैं वो लोग दो तीन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, और नियोजित शिक्षक को बहाली किया जाता था डिग्री के हिसाब से या मार्क्स बेसिस के हिसाब से, तो लोगों को लगता था कि नियोजित शिक्षक में क्वालिटी कम है, अच्छी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रही, तो क्या ऐसा कुछ था? सर क्वालिटी उतना बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से, नियोजित शिक्षक जब ज्वाइन करे थे उस टाइम डिग्रियां भी कम होती थी, तो अगर उनके पास उस समय डिग्री थी तो उनमें भी कुछ ना कुछ था। और रही बात एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की, हर टाइम का अपना टाइम पीरियड होता है, उसका रिजल्ट अपना होता है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इतने डिफरेंस वाले टाइम को। आप कौन से क्लास के शिक्षिका हैं? मैं 6 to 8 में पढ़ाती हूँ सर। क्या कोई सब्जेक्ट भी आपका? जी मैथ साइंस। मैथ्स में? मैथ्स आपका जी। तो मैथ्स तो आपका काफ़ी स्ट्रांग। ठीक है ठीक है, काम चलाओ। नहीं मतलब ठीक है, बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए बिल्कुल। एक दो सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल सर। थोड़ा सा मैडम, अगर 12 में 10 जोड़ के और 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 12 में 10 जोड़ कर 22 होगा, 22 में से आप 5 माइनस करेंगे 17 होगा सर। आप मैडम केमिस्ट्री का स्पेलिंग बता सकते हैं? बिल्कुल, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स का? ECONOMICS। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? लास्ट 2014 में बने थे प्रोबेबली, दिस ईयर लाइक करेंटली दिस ईयर 2024 में अगेन बने हो, 2019 में बने थर्ड टाइम दिस इज। अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वो तो आप ही के राज्य से? हाँ वो नहीं, मेरे राज्य से नहीं है वो, उनका बर्थ उड़ीसा में हुआ है बेसिकली, वो वहाँ पे राज्यपाल थी, तो लोगों को लगता वो हमारे राज्य से, लेकिन उनका बर्थ उड़ीसा में हुआ है सर। आप तो काफ़ी टैलेंटेड दिख रहे हैं मैम, बीपीएससी से बहाली हुई है तो आपके क्वालिटी दिख रही है, तो क्या आप अपने क्वालिटी को अच्छे से इस्तेमाल करके बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल सर कर रही हूँ। आप अकेले कर रहे हैं कि सभी लोग मिल? नहीं मेरे विद्यालय में सब अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी शिकायतें इस विद्यालय में आ रही है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, बच्चे बाहर खेलते हैं। खैर मुझे बाहर खेलते हैं, खेलने के टाइम में तो बच्चे खेलेंगे ही, ये है एक टाइम पीरियड होता है, अब शिकायतें आ रही हैं तो देखते हैं क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इशू है, खेलते वक्त वो खेलते हैं ऐसा है, लेकिन देखना होगा क्या शिकायतें। यहाँ पे जो MDM मध्याह्न भोजन में क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं? मुझे डिटेलिंग एक्चुअली MDM के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैं क्लासेस में ही बिजी रहती हूँ, और रही गड़बड़ियाँ मुझे, मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई गड़बड़ी MDM में चल रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस पूरे विद्यालय में क्या क्या कमियाँ? कमियाँ बहुत हैं, जैसे बच्चों को अभी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ब्लैक बोर्ड और चॉक यूज़ कर रहे हैं जो कि डस्ट फैलाता है, बेटर होता कि व्हाइट बोर्ड से रिप्लेस होता, मार्कर यूज़ होता वो डस्टलेस होता, क्योंकि किन्हीं किन्हीं बच्चों को ब्रीदिंग इशू है तो हमें उन्हें बैक में बैठाना पड़ता है, क्योंकि वो चॉक का पाउडर उनके पास जाता है तो उनको दिक्कतें होती हैं, ये दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर लाया जाए, ताकि जितने भी साइंस बेस्ड लर्निंग है कि कौन सा ऑर्गन बॉडी में कहाँ है, वो बच्चों को आप कितना ही ओरल एक्सप्लेन कर लें आप नहीं कर पाएंगेगा जब तक कि आप उनको विजुअलाइजेशन नहीं देते हैं। सेम वे मैथ्स में भी अगर 3D शेप्स दिखाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज देम, और उसके लिए हमें प्रोजेक्टर चाहिए होता है। इस विद्यालय में शिक्षक कितने बजे आते हैं? सर सब टाइम से आ जाते हैं। कितने बजे? सर बिफोर लाइक 8:50 to 9:20 के अंदर सारे टीचर आपको प्रेजेंट मिलेंगे, इन बिटवीन दिस टाइम इंटरवल। और इस विद्यालय से छुट्टी उनकी कब होती है? 4:30। 4:30 यस। बच्चों को छुट्टी कब मिलती है? एज पर शेड्यूल लाइक कभी कभी 3:30 हो जाता है, पर 3:15 में होती है, पर 3:30 यहाँ हमारे यहाँ हो जाता है, फिर कुछ बच्चे ठहरते हैं जिनको पढ़ाया जाता है। कौन से बच्चे ठहरते हैं जिनको पढ़ाया जाता है? इट डिपेंड्स ऑन कि किसको रिक्वायरमेंट है, कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं का सिलेबस बहुत टाइम से इनकम्प्लीट रहता है। मिशन दक्ष योजना चल रही है अपनों का? जी चल रही है। उसका टाइमिंग क्या? उसका टाइम 3:15 से लेकर 4 बजे तक है सर। 4 बजे से 4:30 बजे तक शिक्षक क्या ड्यूटी होती है इस स्कूल? सर हमारी ड्यूटी जो हमारे को डायरी दी गई है, टीचर्स डायरी एंड ऑल, वो हमें लिखना होता है, सारी चीज़ें वो करनी होती है, अगर कॉपी है तो कॉपी वर्क करेक्शन होता है जो हमारे यहाँ होता है, आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं।
आप झारखंड से चल के बिहार में जॉब करने आए हैं, तो क्या आप यहाँ पे आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप किसी भी तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती? नहीं सर, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। बिहार को लोग बदनाम करने का कोशिश करते हैं, बिहारी है इस तरह का, शायद आप भी झारखंड से बिहार चल गए हैं तो शायद आपको भी सुनने को मिलती हो। सबका अपना है, आप नहीं कह सकते। मुझे खैर ऐसा बहुत कुछ सुनने को नहीं मिलता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कंपैरिजन में आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप झारखंड वालों को भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर कहने की बात है, कहा कुछ भी जा सकता है, क्योंकि कहने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ भी कह के निकल सकता है। आप अपने जो आपके जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं मैडम कि देखिए, जो यहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ पे सारे बच्चे गरीब के होते हैं, मंत्री विधायक सांसद बड़े बड़े नेता के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने नहीं आते, सारे बच्चे गरीब के आते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। सर हम दे रहे हैं और वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। तो सर मैडम फिर जी 6 महीने में रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको, उस टाइम दिखेगा, कुछ साल लगेंगे, तो वो तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 20 साल से कोई चीज़ कमियाँ थी, आप 6 महीना में किन्हीं टीचर से वो भरपाई करना चाहें तो वो मुश्किल है, थोड़ा टाइम तो आपको उनको भी देना चाहिए। तो आखिर बिहार का सरकारी विद्यालय का को बदनाम क्यों किया जा रहा है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होता ही नहीं है, सरकारी विद्यालय में कोई एजुकेशन नहीं मिलता, सिर्फ मिलता है खिचड़ी, इस तरह का आखिर क्यों चला रहा? क्योंकि शायद ऐसे रिंग्स को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कंपैरेटिवली आप देखेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई प्राइवेट स्कूल में एक टीचर जाता है वो वही रहता है जो गवर्नमेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है। आज अगर कोई गवर्नमेंट क्वालिफाई किया है वो डेफिनेटली प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर है, ये माइंडसेट की ड्यूटी है। और एक चीज़, पेरेंट गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करके भूल जाते हैं कि वो गवर्नमेंट में किए हैं, उनको केयर करनी चाहिए। वो प्राइवेट में वो चीज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो फ़ी पे कर रहे होते हैं। तो पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा इशू है, सिर्फ टीचर्स नहीं है। आप एक सवाल यहाँ पे होता है कि आपने बोला कि जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते टीचर्स का, वो प्राइवेट टीचर बनते हैं। 100% नहीं, इट डिपेंड्स ऑन चॉइस, डिपेंड ऑन चॉइस, लेकिन हाँ 60% तो आप ले सकते हैं। 60% ले सकते हैं, यानी कि आपके कहने का मतलब हुआ कि जो सरकारी विद्यालय में जो टीचर आए वो ज्यादा टैलेंटेड है। टैलेंटेड नहीं, उनमें कुछ तो है कि वो वहाँ है, कुछ नहीं कर सकती सर। हो सकता है किन्हीं को अपॉर्चुनिटी ना मिला हो, किन्हीं की अवस्था वैसी रही हो कि वो आज तक यहाँ ना पहुँच पाए, वो मेरे से ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। तो सरकार तो यहाँ पे सरकारी विद्यालय के बच्चे में ज्यादा नॉलेज है, जो फिर प्राइवेट विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके अंदर ज्यादा अच्छी नॉलेज? सर जिनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा उनके पास है, अगर वो सरकारी में है तो सरकारी में है, अगर प्राइवेट में तो प्राइवेट। प्राइवेट विद्यालय के बच्चे तो अच्छा अच्छा स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आपके विद्यालय के बच्चे अंग्रेजी बोल पाते हैं, अंग्रेजी लिख पाते हैं? सर अंग्रेजी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के कोई टीचर नहीं है, तो जब आप प्राइवेट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ये भी देखें वहाँ टीचर अवेलेबल है, यहाँ नहीं है। सेकंड थिंग, नॉलेज का इंग्लिश से कोई मायने नहीं होता, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आपको नॉलेज है। मैडम हर सब्जेक्ट में CBSE का जो भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में, वो सरकारी विद्यालय के बच्चे से कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। सर उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे यहाँ क्यों नहीं मिल रही मैडम? यहाँ क्यों नहीं मिल रही, 6 to 8 में इतने सारे क्लासेस हैं। 6 to 8 में मैं एक मैथ्स और साइंस की टीचर हूँ, प्राइमरी के कोऑपरेटिव करके क्लासेस कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह जाती होंगी ना, सबको कवर करना पॉसिबल नहीं। आप उतने टीचर्स प्रोवाइड करें, मिलेगा। चलिए ठीक है मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप अपना कीमती समय दिए। इस वीडियो से आपको कोई समस्या नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक यू। देखिए एक सेकंड, ये BPSC मैडम है, ये झारखंड से, झारखंड बहुत ही पिछड़ा राज्य है और ये उस पिछड़ा राज्य की रहने वाले हैं और काफ़ी मेहनती है, और मेहनत करके अपने दम पे बिहार के सरकारी विद्यालय में मैथ्स का, लड़कियों को मैथ्स समझ में नहीं आता है ठीक है, और ये मैथ्स की शिक्षिका है और ये काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी टैलेंटेड है, और अपने दम पे इन्होंने शिक्षक बने हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मेरे तरफ से आपको मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और एक रिक्वेस्ट है मेरा कि शिक्षक जो होते हैं आप लोग बच्चे का भविष्य का निर्माता होते हैं। हाँ मैं इस बात से एग्री करती हूँ। तो आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत थोड़ा और बढ़ाइए और बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि गरीब के बच्चे भी डॉक्टर, IAS, IPS यहाँ से पढ़ के जाए और बनने का सपना देख सके और उस ऊँचाई तक जाने का प्रयास करें। वो जाएंगे सर, फॉर श्योर वो जाएंगे, डोंट वरी। क्योंकि जो गरीब के बच्चे होते हैं वो लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, और वो लंबी छलांग कैसे लगाएंगे, तो अच्छे शिक्षक के दम पर लगाएंगे, आप लोग के दम पर लगाएंगे। तो आप लोग को मेहनत में थोड़ा बढ़ावा देना होगा, मेहनत करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।